ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कैसे अलग अलग बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और उसी में से ही एक बिजनेस है ग्रीन हर्मिटेज। आज उसकी फाउंडर गायत्री वरुण आज हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो हम लोग सभी वॉलेट रखते हैं, पर्स भी होता है और वो मोस्टली लेदर का होता है। ग्रीन हर्मिटेज प्लांट बेस्ड लेदर के प्रोडक्ट्स देता है। करेक्ट, ये बहुत ही रीसेंट इनोवेशन है एटलीस्ट इंडिया के हिसाब से। टेक्नोलॉजी लगभग 7 साल से मार्केट में है और वैरायटी ऑफ पौधों से अब लेदर बनने लगा है और हम बस उस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट्स बना के नॉर्मल कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे हैं। जी, मतलब ये सुनकर ही बड़ा मैं अमेज फील कर रही हूँ कि प्लांट से लेदर बन सकता है। तो किस तरीके के प्लांट से और आप वो कैसे यूज करते हैं, कैसे उसका वो लेदर बना दिया जाता है? अगर मैं आपको सिर्फ प्लांट्स की लिस्ट बनाऊंगी तो ऐसे लगेगा आपको जैसे मैं एक फ्रूट सैलेड डिस्क्राइब कर रही हूं। लेकिन एप्पल, कैक्टस, कोकोनट, हेम्प, ऑलिव, टोमेटो, बनाना, इन सब प्लांट से अब लेदर बनने लग गया है। एंड अगर मैं आपके सामने पौधे से बना हुआ लेदर वर्सेस जानवर का चमड़ा रखूंगी तो आप बिल्कुल उसमें अंतर नहीं बता पाएंगे कि इतना परफेक्ट है वो टेक्नोलॉजी। और जहां तक ड्यूरेबिलिटी और रेजिलियंस की बात है तो एनिमल लेदर जैसे आपको 10-20 साल तक आप उसको यूज कर सकते हो, उसमें कोई डैमेज नहीं सेंस होगा, वैसे ही पौधों के लेदर में भी आपको 15-20 ईयर्स की ड्यूरेबिलिटी। बिल्कुल, वी ऑल हैव वन होम विच इज प्लैनेट अर्थ एंड देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर बिजनेसेस आल्सो एम्ब्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यू हैव बीन अ चैंपियन ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो अब जब आप ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेकर ओएनडीसी पर ऑन बोर्ड किए हैं, इसका क्या फायदा हुआ है आपको? तो आई थिंक मुझे लगता है ओएनडीसी जो कि जैसे आपने बताया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, आई थिंक ये विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो इंडिया ने क्रिएट करा है। एंड आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इस पर बहुत ही ज़्यादा गर्व होना चाहिए। सेकेंडली इसमें सबसे बढ़िया बात ये रही है, स्पेशली हमारे जैसे छोटे स्टार्टअप्स के लिए जो अब विश्व स्तर पर आना चाह रहे हैं उनके लिए ये है कि हम लोगों को बड़े इस्टेब्लिश्ड या इंटर जनरेशनल ब्रांड्स के साथ इतना कम्पीट नहीं करना पड़ता। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम 2-3 साल ही पुराने हैं, हमारे आगे एक बहुत लंबी जर्नी है मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से कि हम उस स्तर पे आए। लेकिन ओएनडीसी एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है हमारे जैसे स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए भी, तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो क्या आपको लग रहा है कि आपको से फायदा मिल रहा है, बूस्ट हो रहा है आपका बिजनेस? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक सबसे सुंदर बात इस नेटवर्क की है कि चाहे भारत में कहीं भी हो या विश्व में कहीं भी हो, कोई भी बायर अगर हमारे प्लांट लेदर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहा है तो उसको सिर्फ ओएनडीसी पे जाके हमारा बायर ऐप या कैटेगरी चूज करनी है और उनके लिए बहुत ही सेफ सरल तरीके से। तो वो कैटेगरी कौन सी है? फैशन कैटेगरी हुई, आप फैशन कह लीजिए, हैंडबैग कह लीजिए, जैसे आपने की कहा वॉलेट, ट्रैवल एक्सेसरी, हैंडबैग, जो भी आप ढूंढ रहे हैं। और अगर आप एक लेवल आगे जाके कहते हैं कि हमको सस्टेनेबल चाहिए या प्लांट लेदर चाहिए तो वो आपको डायरेक्ट कर देगा उस बायर ऐप पे और आपको कैटेगरी में ट्रांजैक्शन। लेकिन कस्टमर की जब बात करते हैं ना आप गायत्री, उसको सबसे पहले दाम देखना होता है। बिल्कुल, अगर मैं प्लांट बेस्ड लेदर का कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ महंगा तो नहीं पड़ जाएगा? हालांकि एनवायरमेंटल कॉस्ट फैक्टर करें तो वो सस्ता है। आप इसको इस नजरिए से देखिए कि अगर आप किसी पॉलीयूरेथेन यानी प्लास्टिक लेदर जो होता है उसका कुछ प्रोडक्ट लेंगे, उसमें जितना भी इन्वेस्ट करेंगे चाहे ब्रांड के नाम पे ये इन्वेस्ट करें, तो आप देखें कि 2-3 साल में वो मटेरियल उधड़ने लगता है, पील ऑफ करता है, टेयर अप हो जाता है, फिर उसकी क्वालिटी वो नहीं रहती। आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा देके अगर एक अच्छी पौधे से बनी क्वालिटी की चीज में इन्वेस्ट करें तो 10-15 साल तक वो आपका साथ निभाएगी। और मैं इसको कहती हूँ कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू यू एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू द प्लैनेट। ओके, लेकिन जब हमारा जैसे हम लेदर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं वो खराब होने लगते हैं, हम उसको डंप कर देते हैं, अब ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जब ये खराब होने लगते हैं ऑब्वियसली एक लाइफ होती है, तो जब हमें क्या इसको हम डंप करेंगे तो इसको रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा यूज किया जा सकता है या आपको दे सकते हैं हम दोबारा? आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है एंड आई रियली होप कि जो भी ये देख रहे हैं आज शो ये क्वेश्चन पूछे हर प्रोडक्ट खरीदने से पहले।
हम एज अ ब्रांड एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि जब आप थक जाएं इसको यूज करना, क्योंकि 15-20 साल बहुत लंबा टाइम है एक फैशन प्रोडक्ट को यूज करने का, अगर आप बोर हो जाएं, थक जाएं, अब आप ये प्रोडक्ट नहीं आगे यूज कर पा रहे हैं, तो हम अपने ब्रांड के अंदर वो सर्विस देते हैं कि हम वो प्रोडक्ट आपसे ले लेंगे और फिर उसके जितने पार्ट्स हो सके रिसाइकल रीयूज करेंगे और जो भी रिसाइकल या रीयूज नहीं हो पा रहा है उसको बायोडिग्रेड करेंगे. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो आप लैंडफिल्स देखते हैं जिसमें सिर्फ कचरा इकट्ठा हो जा रहा है सालों से, वो चीज हम नहीं होने देंगे. तो आपका परचेज आपके लिए अच्छा है, प्लैनेट के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि हम उसको वापस लाके रीयूज करते हैं. और आशा करते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ओएनडीसी के माध्यम से जन जन तक पहुंचेंगे. आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार गायत्री जी. थैंक यू सो मच.